नमस्कार किसान भाइयों, मैं बंटी मीणा आपका स्वागत करता हूँ राजस्थान फार्मिंग में। आज मैं आपको किसान भाई के हर ऐसे जुगाड़ होते हैं कि किसान भाई कुछ ना कुछ उसका हल निकाल लेता है या उसको कुछ दिक्कत आती है तो उसका कुछ ना कुछ हल किसान भाई जरूर निकालता है। तो आज आपको मैं इसी वीडियो में ऐसे जुगाड़ के बारे में बताऊंगा जो किसान भाई थोड़ा सा सूझ या बूझ की मदद से उसने जुगाड़ बोल सकते हैं या उसके समझ बोल सकते हैं। अब आपको बताऊँ कि वो समझ या जुगाड़ क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो आपको बता दूँ, जब अपन ये जो मेड़ बना लेते हैं मिर्ची की, ये प्लेन मेड़ बन चुकी है, अब इसके ऊपर अपन ड्रिप करेंगे, ड्रिप सिस्टम लगाएंगे। तो इस बार मैंने जो पेप्सी पाइप लगाई थी, ये क्या है कि हवा से इधर उधर उड़ के निकल रही है, और जब अपन पॉलीथीन इस पर डाल रहे हैं, मल्चिंग इस पर सेट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो तब ये मल्चिंग अपने पैरों पर लग के नलकी है, जो ये नलकी है ये पैरों से लग के इधर उधर हो जाती है, और जो होल आते हैं मल्च के, जो होल आएंगे वो इस तरह से आएंगे, तो वो होल या तो इस लाइन के इसके पास आ जाते हैं या इस लाइन के इसके पास आ जाते हैं। तो अगर जो नलकी है, जो लाइन है, वो जो नलकी की जो लाइन है वो अगर इस तरफ रहेगी, ज़्यादा पानी इस तरफ निकालेगी, तो इधर वाले पौधे अच्छे चलेंगे, इधर वाले पौधे नहीं चल पाएंगे। इन सबका एक सॉल्यूशन है कि आप किसान भाई के सभी के पास में एक साइकिल होती है या घर पर होती है सबके, तो वो बता दूँ कि ये देखिए मैंने उसी का जुगाड़ बनाया है, ये देखिए। अब उसके बारे में आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसके बीच में बीचों बीच ये साइकिल चला के और एक नाली बना दी मेड़ के ऊपर। ये देखिए ये कैसे अच्छे से सेट हो रही है। अब इसके अंदर सेट हो गया, अभी हवा चलेगी लेकिन इसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये सेंटर में रह चुकी है। अब आपको ये कैसे नाली बनी है इसके बारे में मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से इस लाइन के सेंटर में रख के साइकिल को थोड़ा प्रेस, थोड़ा दबाव के साथ में चला लें, तो ये चल चुकी है। देखिए अब जैसे ये चल रही है, अब इसमें ड्रिप पड़ी रहेगी, तो अपने को पता है कि वो सेंटर पे है पहले से ही। तो अब आपको पूरी नाली सेट करके मैं भी दिखाता हूँ। ये देखिए चल रही है, इसलिए तो किसान भाई की सबसे बड़ी दिक्कत थी इन पॉलीथीन के नीचे जो लाइन होती है, उधर हो जाती है और वो दिक्कत देती है, क्योंकि अगर पॉलीथीन के नीचे हाथ डाल के करेंगे तो पॉलीथीन फट जाएगी, मल्चिंग फट जाएगी, तो वहाँ से जाहिर सी बात है कि जो घास है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये नाली बन चुकी है, एक बार नाली दिखाइए। नाली बन जाने के बाद में देखिए ये ड्रिप है, अब इसको सिर्फ वन टाइम एक बार, ये देखिए इस तरीके से ये पूरी ड्रिप एक ही बार में लाइन के बीच में आ चुकी है, और ये अभी बीच में पड़ी रहेगी तो ये हर बार ख़राब नहीं होगी, ना ही लेगी, ना इस तरफ आएगी ना उस तरफ जाएगी। जब मल्चिंग इस पर सेट करेंगे, जब हाथों से मल्चिंग सेट करेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और अपने को पता रहेगा कि सेंटर कहाँ पे है और होल कहाँ पे रख के चलने हैं। अगर इस तरीके से किसान भाई अपनी जो ड्रिप सिस्टम को सेट करता है, तो इसमें किसान भाई के ना तो लाइन इस तरफ रहने वाली है, ना लाइन उस तरफ रहेगी। इस तरीके से वो अपना काम सहूलियत से कर सकता है और अच्छे से कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इसी के साथ में आप अगर आपको हर तरीके से जुगाड़ के वीडियो या हर जानकारी के मैं वीडियो जो मेरे को अच्छा लगता है वो आपके लिए बनाता रहता हूँ वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। जय जवान जय किसान।